अच्छा मोदी जी कह रहे थे कि गरीबी जो देश में आई है कांग्रेस की वजह से आई है। अच्छा देश में कांग्रेस की वजह से आई। हाँ। जब कांग्रेस था उस टाइम इंडिया की क्या कंडीशन थी, क्या थी उस टाइम जीडीपी के साथ बात करो ना, जीडीपी कितने थे उस टाइम? 11-12 5 आज क्या है? आज 5वें नंबर पे भाई। कितने साल में? अभी टेक्नोलॉजी आया, एक मिनट, उस टाइम आप जीडीपी की बात भाई, आप मैं पूछ रहा हूँ ना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी थी? जीडीपी उसी से जिस होता है ना, हाँ उसी से डिसाइड होता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ से। बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ कितने से थी, कितने थी? नहीं पता मेरे को, मैं चुप हो गया। बोलो ना कितनी थी, बता दो ना यार। जीडीपी डिसाइड होती है, चलो बताओ अब जीडीपी उसी के अकॉर्डिंग होती है ना। हाँ भाई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अब क्यों चेंज हो गई? अब क्यों चेंज हो गए भाई? अब तो और नीचे चले गई इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन जीडीपी बढ़ गई। ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि उस समय 10 साल में ग्रोथ ज्यादा थी, ग्रोथ ज्यादा थी और जीडीपी कम थी, तो जीडीपी तो बढ़ेगी ना। देखिए कुछ नई से 11-10 नंबर पे आई ना। हाँ बिल्कुल, मान लिया चीज को, मैं चुप हो गया और बोलिए। हुआ भाई, मतलब ग्रोथ थोड़ा से कम रहेगा? जहाँ नहीं, जहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा चुप हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, और बोल। और आप पॉइंट उठाओ, अच्छा पॉइंट उठाओ ना भाई। भाई आप सपोर्ट कर रहे हो, सवाल तो आप करोगे ना विपक्ष, आप सपोर्ट कर रहे हो ना विपक्ष में, आप सवाल तो आप करोगे। अच्छा आप क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो, किन मुद्दों पे लग रहा है मोदी? विकास के लिए तो जवाब दे दिया, जब विकास कहाँ हो रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अब पहले तुम दे दो। नौकरी आपके क्या लगता है कहाँ विकास हो? एक बात बताइए, उस टाइम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? अच्छा दिल्ली का रोड कितना बनता था, आज कितना बनता? भाई रोड की उस बात थी तो मैं बता रहा हूँ ना, उस समय इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि रोड बनाए। आपको पहले पेट जरूरी है कि रोड जरूरी है? चौरासी के दंगे कराने के लिए जरूरी था। क्या क्या? चौरासी के दंगों के लिए पैसे थे क्या? चौरासी वाले बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। तो आप पैदा हुए तो कांग्रेस की तो अहमियत पता होनी चाहिए। आप उस टाइम पैदा हुए तो कांग्रेस की अहमियत पता होनी चाहिए कि कितने गरीबी में भी आपका पेट पल रहा था। देश जब बिकने वाला था, देश जब बिकने वाला था ना, फिर भी आपका पेट पल रहा था। नहीं हो सकता गरीबी में दंगे हो सकते हैं, विकास नहीं हो सकता। अच्छा और क्या क्या काम पसंद है? और आज बॉर्डर पे हाल देख लीजिए, कहाँ से आपको लगता है यहाँ पे आतंकवादी हमला हो रहा है? शुरू में हुए, एक दो बार हुए वो मानते हैं, ठीक है, उसके बाद कितने हुए बॉम्ब ब्लास्ट? आतंकी हमले नहीं हो रहे, सुरक्षा बढ़ नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। पुलवामा अटैक कौन करवाया? मैंने पहले क्या बोला अभी आपको? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? कह रहे हैं कि शुरुआती में हुए, अब नहीं हो रहे। शुरुआती में हुए, उसके बाद कितने हुए? भाई बहुत सारे हुए हैं। बताते दे भाई, मैं पूरी डाटा दे दूं। हाँ तो दे दे। मैं तुझे आपको क्रॉस चेक करवा दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था और ये व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्रॉस चेक करवाऊंगा। इंस्टाग्राम छोड़ो, क्रॉस चेक करवाऊंगा। क्रॉस चेक पता है? क्रॉस चेक पता है? जो सामने से आता है ना उसको। अच्छा भाई, क्या लगता है या फिर इंस्टाग्राम नहीं चाहिए? तुम भी चेक करा के दिखा दो ना भाई, मैं क्रॉस चेक करवाऊंगा। अच्छा क्या लगता है, सुने नहीं? इंस्टाग्राम की छोड़ो, ये बताओ गर्मी कहाँ हुए? क्या लग रहा है, कह रहे कि चीन हमला करना चाह रहा है, चीन जमीन पे कर नहीं रहा, लेकिन कर नहीं रहा। कितने भाई चली गई कश्मीर में, कितनी चल रही है सारी जमीन का चीन जमीन लग रहा है, सुरक्षा बढ़ी इनको बोले। हिंदुस्तान में सिर्फ चार एक करके आ रहे, एक एक करके हम चाइना पे नहीं जा कोई भी। क्या लगता है, कह रहे हैं नाम बदल में क्या दिक्कत है? तो वो कौन होते हैं कि हमारे भारत के उसका नाम बदलेंगे? किसने बदला? चाइना ने। हाँ। अरुणाचल प्रदेश का नाम। हाँ। जबकि अरुणाचल हमारे देश का है। हाँ। वो गलत है उनका, चाइना का, उन्होंने अपनी मर्जी से बदला, भारत ने तो नहीं बदला। तो वही तो सवाल उठ रहा है ना कि सरकार क्या कर रही है इस तरीके से, इतनी कमजोर हो गई है भारत। स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, सरकार जवाब भी देती है। लद्दाख में घुसना चाह रहा है चाइना, तो घुसना चाह रहा है ना, घुसा तो नहीं है अभी ढंग से। आप चाहते हो कि मतलब पहले हमला कर दे, हम नहीं जाके जबरदस्ती कर दे।
जाके उन्होंने नहीं कहा ना, जयशंकर ने कहा ना क्लियर चाइना को क्लियर कहा लफ्ज में। तो जब पूरा घुस आएंगे तब कुछ उसके ऊपर एक्शन। देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले हमला हम करते नहीं है, पहले हम हाथ नहीं उठाते, सामने वाले को उठवाते फिर उसका जवाब देते हैं। मोदी जी तो बोले थे चीन को लाल आग दिखाएंगे, तो दिखाएंगे दिखाएंगे। ऐसा जो चीन नाम रखा है वो एक विदेश में बैठा है, वो हिंदुस्तान को कुछ भी कह सकता है, आप भी यहाँ से हम लोग भी कुछ भी कह सकते हैं उसको ऑफिशियली। लेकिन जहाँ पे वो आएगा जब ना उस पर कब्जा करने के लिए, तो मुंह तोड़ जवाब भारत देगा। अच्छा। और चाहे जिसकी सरकार हो हर ढंग से उसको जवाब दिया जाएगा चीन को। और नाम बदलना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहाँ बैठे बैठे कुछ भी कौवा उड़ चिड़ै उड़ कर देगा। हमने नहीं बदला है ना, आपका जो नाम था वो है, अब वो वहाँ से जो बदलना है तो कोई मतलब, हिम्मत हो तो एक बार आके देख ले, जब आएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। कह रहे अब इतना हिम्मत बढ़ गया है कि चीन ऐसे नाम बदल, अब चीन का नाम जो है देते हैं यहीं से, तो क्या मानोगे आप? जो बता हो सकता है हमारा लफ्ज ये गलत हो, क्योंकि देश के बात है तो हम ऐसे ही बोलते हैं, तो अगर मान लो थोड़ा सा रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, कोई कुछ भी कह सकता है। इनको तो कोई एजुकेशन तो इनके पास है नहीं, नहीं है इधर लाओ। अच्छा, पता है एजुकेशन नहीं है। आप पूछो एजुकेशन, मेरी बात एजुकेशन आपके पास होगी? अरे पूछ ले, एक आधे के पास होगी। अक्सर लड़के लोग तो नकल करके पास होते हैं, पर जब कंपटीशन में बैठते हैं कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। तो अभी तो इसने बताया, अकेला मोदी जी हर सीट पर कैसे बैठ जाएगा? अच्छा, तो अभी तो इसने बताया आईआईटी में अभी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये बात गलत है। आप झूठा इल्जाम मत, आप ये बताओ 24 में कौन आएगा? कांग्रेस आएगी, मोदी आएगा, कांग्रेस आएगी, मोदी आएगा। अच्छा, किस मुद्दे पे आएगा? किस मुद्दे पे कह रहे हैं मोदी आएगा? मोदी आएगा, मोदी जी ने विकास किया है। क्या किया, कैसा? अरे सारा विकास दिखाई दे रहा है, यही वोटिंग करा लो। इकोनॉमिक रेट कितना? यही वोटिंग करा लो। अरे वोटिंग का क्या बात है भाई, शास्त्री नहीं हूँ लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मोदी आएंगे। रीजन पूछ रहे, कह रहे रीजन बता दीजिए। विकास के लिए क्या? विकास कैसे ले? देख नहीं रहे आपको विकास होता हुआ? काम कांग्रेस का क्या विकास है? काम गिनवा दीजिए, विकास बताओ। परिवार खाली परिवार सही, अभी भाजपा रेप कितने होते थे, बम कितने फटते थे, बम कितने फटते थे? डाटा मिल रहा है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से डाटा जो कि हाइट कर रहा है, आपको पता है? क्या क्या काम क्या पसंद है ये तो बता दीजिए। क्या काम? सारे काम पसंद है, सारे काम पसंद है। 370 हटी बेटे, राम मंदिर बना, सड़कें बनी, राम मंदिर को गैस योजना, गरीबों को घर मिले। अच्छा, बीजेपी करोड़ को राशन देना मामूली बात है, राशन आम आदमी पार्टी भी दिया था, दिया अभी भी दे रहा है सारा राशन। क्या लगता है, कह रहे 370 हटा दिया, राम मंदिर बनाया? अच्छा, राम मंदिर इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बना? 14 से है तो ये आपके 24 में आकर क्यों बनाया? आपने 7 साल में क्यों नहीं बनाया? क्यों बनाया उस समय? क्या चलाया राम मंदिर पे? अच्छा, उस समय इंडिया की क्या कंडीशन थी जो राम मंदिर बनाएगा? उस समय इंडिया की कंडीशन क्या थी जो राम मंदिर बनाने की जरूरी था? इंडिया की कंडीशन क्या थी? क्या थी? 26 वकील खड़े कर दो मंदिर के खिलाफ, ये कंडीशन थी। गोली चला दो, करे थे कपिल सिब्बल उसी में था। हाँ जी, क्या लगता है क्या लगता है कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को? आए कुछ नहीं दे रहे भाई, इलेक्शन से पहले क्यों दे रहे हैं? इलेक्शन से मतलब सब कुछ इलेक्शन के लिए हो रहा है। हाँ भाई, इलेक्शन के लिए हो रहा है।